आइए। लाला जी बैठिए ना। आप लाला जी, मुझे ना बड़ी खुशी है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने के लिए राजी हो गए, पर अफसोस आपकी रजामंदी में आपका आशीर्वाद पूरी तरह शामिल नहीं है। और ये बात ना मुझे बड़ा परेशान किए जा रही है। मैं जानता हूं आप मुझे बड़ा बुरा इंसान समझते हैं। वैसे ठीक कहा आपने, जो इंसान एक वचन का मान नहीं रख सकता वो सात वचनों का मान कैसे रखेगा। लाला जी, मैंने किरण बाला को कोई वचन नहीं दिया, लेकिन जो वचन मैंने आपकी बेटी को दिया है उसकी लाज मैं जरूर रखूंगा। कैसा वचन? उसे हमेशा खुश रखने का वचन। लाला जी, अमृत खुश तब होगी जब आप उसके सर पे अपना हाथ रख के उसको आशीर्वाद देके खुशी खुशी इस घर से विदा करेंगे। लाला जी, मैं बहुत प्यार करता हूं आपकी बेटी से। बस इसी बेशर्मी से एतराज है मुझे। तुम आजकल के मुंडे कुड़ियों की हिम्मत कैसे होती है बुजुर्गों के सामने प्यार मोहब्बत की बात करने की? तुम अपनी मनपसंद लड़के लड़की को ढूंढने की, और फिर ये प्यार मोहब्बत किस फला का नाम है? हमारी पीढ़ी ने नहीं किया ये सब? हाँ, और अगर किया है तो ब्याह से पहले नहीं, ब्याह के बाद। अगर तुमने थोड़ा सब्र रखा होता, थोड़ा विश्वास किया होता, तो तुम्हें भी किरण बाला से प्यार हो जाता ब्याह के बाद। मगर तुम नई पीढ़ी का तो दिमाग जरूर से ज्यादा खराब है। ये कम से कम मेरी अमृत ऐसी नहीं थी। सारी बेशर्मी उस बेहया रंजन की कहानियां पढ़ने के बाद आई। ये जो रंजन की कहानियां है ना लाल, ये कहानियां नहीं, एक नई सोच। बड़ी फिक्र है ना तेनू मेरी खुशी है। तो एक काम कर, इसमें से रंजन का लिखा पन्ना फाड़ और मेरी जूती साफ कर। देख क्या रहा है, चल पन्ना मैं फाड़ देता हूं, बाकी का काम तू कर दे। वड्डी वड्डी बातें करना और वड्डों को खुश करने में बहुत फर्क होता है बरखुरदार। अगर मुझे खुश देखना चाहता ना तो मेरा कहना मान, रंजन वाला पन्ना ले हाथ में, इस कहानी वाले पन्ने से मेरी जूती साफ कर। रब रब रब।
रांझन रांझन आप रांझन हैं। आपको पाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया क्योंकि आप मेरी अमृत भी है और मेरी रांझन भी। माफ कीजिएगा लाला जी, मैं आपकी खुशी के लिए खुद का अपमान सह सकता हूं पर किसी लेखक का अपमान ना सह सकता हूं और ना कर सकता हूं। फिर चाहे वो लेखक आपको पसंद हो या ना, समझ में आया तुम्हें कि मैं तुम्हें क्यों नहीं पसंद करता? तेरे मेरे ख्यालात इस जन्म से कदे नहीं मिल सकते। बस यही तो मैं सोच आपकी गलत साबित करना चाहता हूँ लाला जी। बेशक आपकी और मेरी सोच अलग है, बेशक मैं विलायत से पढ़ के आया हूँ, बेशक मेरे ख्यालात नए हैं, बेशक मैं पुरानी सोच से सहमत नहीं हूँ लाला जी, बस एक बात तय कर ले कि आप में अपने संस्कारों की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करना जानता हूं और सिर्फ इसीलिए अगले एक महीने तक मैं आपके घर में रह के आपकी नजरों में यह साबित करना चाहता हूं। चल ठीक है, अगर मैंने तुझे एक महीना रहने दिया और इस एक महीने में तू अगर मेरा दिल ना जीत पाया तो तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? अमृत का रोका तो मैंने पहले ही कर दिया तेरे साथ। लाला जी जी, मुझे आपकी इजाजत नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपकी बेटी अमृत की खुशी चाहिए और मैं उसकी खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकता हूं। तो एक गल चंगी तरह सुन ले जी, अगर एक महीने में तू मेरा दिल ना जीत सका या मेरी नजरों में अच्छा साबित ना हो सका, जिस समृद्ध के लिए तू ये सब कुछ कर रहा है ना, उस समृद्ध से मैं अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लूंगा। अमृत का ब्याह तो तब भी मैं तेरे साथ कर दूंगा, तेरा हाथ पकड़ के ससुराल तो जाएगी और महके के साथ उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाना। लाला जी, ये कैसी शर्त हुई? क्यों, बड़ा भरोसा है ना तेनू अपने प्यार से? ते देख लेने तेरी प्यार की ताकत, अगले एक महीने च पता चल जाएगा
क्यों किरण भला दी बजाए तेरा प्यार अमृत नाल होना चाहिए था? जे तेनू खुद ते अपने प्यार पे इतना भरोसा है डर क्यों रहा है? खुशी चाहिए ना तेनू अपनी होन वाली घरवाली दी? आशीर्वाद चाहिए लाला जी ते उसके परिवार का? तो फिर कीमत चुकाने से क्यों डरता है? जो हारने से डरते हैं ना वो जीतने का दावा नहीं करते रणधीर साहब। आशीर्वाद दीजिए लाला जी। कि मैं अपनी होने वाली बीवी की खुशियां जीत सकूं, एक बेटी को उसके मां बाप का आशीर्वाद दिलवा सकूं। और एक बाप के हाथों उसकी बेटी को खुशी खुशी विदा करवा सको। मैं भी देखती हूँ तू तो कैसे जीतता है दिल प्राची का। शर्त तो तेनू हारनी पड़ेगी पुत्र। कुछ ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, मैनू नहीं पता था कि जो किरदार मैं अपनी कहानियों में लिखती हूं वो असल जिंदगी में भी होते हैं। बिल्कुल मेरी कहानियों के नायक की तरह बातें कर रहे थे आप। मुझे अपने बाहुजी से मिलवाने के लिए कर रहे, एक बेटी को अपने बाप का आशीर्वाद दिलवाने के लिए कर रहे, उसे मैं अपनी जिंदगी भर याद रखूंगी। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपके बाहुजी मेरे बाहुजी नहीं। और वैसे भी अगर शादी के बाद मुझे दामाद वाले नखरे दिखाने हैं तो उसके लिए मुझे ससुर जी को मनाना पड़ेगा ही ना। ये वाला कुर्ता? नवा कुर्ता? हाँ जी, आपके वास्ते लिया।
पर रुक गए। इससे चंगा तो पुत्र से करा देते उसका ब्याह। हाय, वो देखो दोनों नाल नाल खड़े कितने सोने लग रहे हैं। कमाल है ना, छोटा कुर्ता है पर महसूस मुझे छोटा करा रहा है। है जी, मैं कुछ समझी नहीं। और ये मेरे नहीं बल्कि उदय के माफ का है। है? ऐसे से? गई तो तू थी अपने पतिदेव के लिए नवा कुर्ता लाने, लेकिन छोटे पे दिल लग गया। नहीं जी नहीं, मैं तो अपने हाथ से माप लेकर गई थी। किसका? जी मैं मदद। ओ रुक, पीछे हट। ओ देखो लाला, ब्रिज किशोर सानी में आज भी इतना दम है कि अपना काम खुद कर सकता है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जाइए, जिसके लिए कुर्ता लेकर आई थी जाकर दिया उसे। जी वही तो कर रही थी। लाई तो मैं आप ही के लिए थी ना। और जिसके माप का कुर्ता है जाके उसे दे रहा। बाबूजी, 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 आपकी अलमारी की चाबी चाहिए थी जी। क्यों? जी वो जी थोड़े से पैसे चाहिए थे, हॉकी खरीदनी है। ओए कोई लोड नहीं, ऐसे बकवास काम के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। बाबूजी थोड़े से दे देते बस। सुना नहीं, जाए यहां से। जी आपने उदय पुत्र जी को मना क्यों किया? आपके अलमारी में इतने सारे पैसे पड़े तो हैं। जी बाबूजी किधर गए? वो तो बाहर गए जी। वो अब अलमारी में से राशन कार्ड निकाल के दे दोगे जी आप? हो लाई जी मैं चाबी। हाँ जी, ये ठीक है, है? मुझे पर आप इसका करोगे क्या? वो एक बार जी काम खत्म हो जाए मैं फिर बताता हूँ आपको, है? लेकिन आप फिकर मत करो जी, ये बेटा आपसे कुछ नहीं छुपाएगा, और खासकर उस माँ के लिए जिसने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया, तो शायद कभी कोई नहीं करता। शुक्रिया जी। हिंदी वाली ने लिखा था उर्दू का फा और मैंने कर दिया हिंदी का उ। राधा क्या है तेरा वशमा, क्या करने वाली है तू? गायब होने वाली हूँ तेरे उदयवीर जी के साथ। पर वशमा तेरे अम्मी अब्बू का क्या? उन बेचारों ने तो मर ही जाना है। मुझे पता है वो मुझसे बहुत नाराज होंगे, पर तो फिकर ना कर, एक बार मेरी उदय के साथ शादी हो गई ना तो कम से कम उन्हें मनाने का, सब कुछ ठीक करने का मौका तो मिलेगा। पर अगर मेरा निकाह फारूक के साथ हो गया ना तो मुझे उदय को देखने तक का मौका नहीं मिलेगा। अमृत वशमा, तू और उदयवीर जी भागकर जाओगे कहाँ? कहाँ रहोगे? आसमान छत है, जमीन बिस्तर,
और उदय की गोद सिरहाना। परवश। मैंने फैसला कर लिया अमृत। वैसे भी उदय और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। अब अगर मैं चाहूं तो भी पीछे नहीं हट सकती। अमृत तू भी मेहंदी लगवा ले बेटा। वशमा मेहंदी लगवा दे। रणधीर लिखेगा। इस घर में रणधीर का रिश्ता अगर किसी से होगा तो किरण बाला से, वरना किसी से नहीं। मैं आपके बहूजी को मनाऊंगा, उनका दिल जीतूंगा और फिर उसके बाद आपसे शादी करूंगा। दिल्ली चले जाएंगे वशमा, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ, जहां हमारे प्यार की लौ को कोई नहीं बुझा पाएगा। रब रब रब, ये कहां से आ गया? पगड़ी बचाकर लाला जी की नजरों में चंगा साबित होना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रब रब रब। पहले तमाशा काट सी, जो तू भी उसे शामिल हो गया। उदय, उदय, जीता है जी, तू अंदर लेके जा। ओ ये हट, हाथ ना लगाई मैंने। ओ जी क्या हो गया जी आपको? ओ जी तमाशा बनवा रहा हूं मैं अपना, मैं ही जड़ से बेशरम हूं ना, मैं ही हूं धोखे की वजह, फरेब की वजह। जाओ राधा ने लड्डू बनाए थे वो लेकर। कल तो घर पे कोई लड्डू नहीं बने थे। अरे ये तो राधा चाची की बाली है, वो कब से ढूंढ रही थी इसे। मुझे वो ना, ये ना वशमा की बाली है जी, उससे ना खो गई थी तो दूसरी वाली मैं ढूंढ रही हूँ। इसे तो मिल नहीं रही, बाद में ढूंढ लूंगी जी। है बताए बताए, खबरदार छूना नहीं मैनू, बोला ना सामने नहीं आई मेरे, दूर हट। भाऊजी कल तक दूर हट तू, ओए खबरदार। भाऊजी अब मां के साथ ऐसा बर्ताव? ओ तू बताएगा मैनू, तू बताएगा मैनू, अपने बाप को तर बांदर समझ लिया क्या? ओए कोई नहीं चाहिए मैनू अपनी जिंदगी में, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बोला मार, कोई नहीं चाहिए मैनू अपनी जिंदगी में, कोई नहीं। ये रब रब रब, न जाने बाबूजी को क्या हो गया। चलिए आप अंदर चलिए, चलिए चलिए अंदर चलिए, जाइए। जाना ने बताया कि हाय रब्बा, आपने तो अपना पूरा हाथ ही चला लिया है। आपके बाबूजी की इज्जत भी तो मेरी इज्जत है। आप बैठिए। Thank you.
बस एक महीना और, फिर मैं भी आपका और मेरे सारे जख्म भी आपके। फिर देखता हूं मैं कि आप मेरे जख्मों पे मरहम कैसे नहीं लगाती। और अगर एक महीने में बहू जी नहीं माने तो? ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से नहीं निकालते। और आप देखना, अमृत का ये रणधीर रायजादा लाला जी के दिल में अपनी जगह बना ही लेगा। रब 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 रब, मेरे होते हुए ये रणधीर रायजादा अगर रांची का दिल जीत लेता है तो मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है। रणधीर जी, जी वशमा आपसे पीछे वाली गली में मिलना चाहती है। पीछे वाली गली, ओए रब 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 रब। पर क्या जरूरत थी ये सब करने की? मानती हूँ अमृत अपने बाबूजी से बहुत प्यार करती है, उनकी मर्जी उनके आशीर्वाद के बिना वो कुछ नहीं कर सकती। मानती हूँ शादी के बाद माई का ना होना बहुत बड़ा दुख है, पर आपको बात इतनी बढ़ानी नहीं चाहिए थी। शादी के बाद बाबूजी ने मान जाना था, सब कुछ ठीक हो जाना था। मुझे लाला जी को शादी के बाद नहीं, शादी से पहले मनाना है। मैं नहीं चाहता कि कन्यादान के दिन उनके दिल में किसी भी चीज का बोझ हो। लाला जी के प्यार और आशीर्वाद के बिना अमृत का हाथ अपने हाथ में लेना मेरी जीत नहीं, वो मेरी हार होगी। वशमा, बस मियां अब आप तो अपने निकाह की तैयारी कीजिए। बस 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 यहीं पर, यहीं पर बस बस ये लो। आइए। ओ फारूक पुत्र,
फारूक पुत्र, बहुत सारी बधाइयां, तुहाडा निकाह है कल। अच्छा है, वशमा पे ना लगाम ना लग जानी है। ओ मैनू पता है तुसी ओनू बहुत प्यार करोगे, इतना कि पराए मर्दों के साथ चुपचाप घुल मिल के बातें करना भूल ही जाना है उसने। मगर बुआ, ये कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं आप? कोई फारूक के सामने बोली दिया तो पूरी बात बोलने दो। कहाँ है वशमा? मेरी आंखों से देखो, दुनिया नजर आ जानी है। जान छिड़कते हैं अपनी जान पर कहते हैं कि जान न ले। जान छिड़कते हैं अपनी जान पर वो कहते हैं जान न ले। अजीब इश्क ही क्या जो दो चार इम्तिहान न ले। अरे वाह वाह रणधीर साहब, इस बात ने तो हमारा दिल ही जीत लिया है। शुक्रिया। ओए 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 फर्क भी, ये शेरो शायरी अपने पाप के अखबार में झाड़। यहाँ मेरी मंगेतर के सामने मजनू मत बन। अरे भाईजान, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो सही है, ये वही है ना जो लाला जी के आया तो किसी और को देखने था और इश्क किसी और से लड़ा रहा था। और तुम भी इसकी राह पे चल दी। निकाह मुझसे हो रहा है और आशिक ये बन रहा है तुम्हारा फारूक। जुबान संभाल के वरना। वरना क्या? मैं भाई होकर के मियां बीवी के बीच में नहीं बोल रहा हूं तो होता होगा ना बीच में टांग आने वाला। मियां बीवी बने तो नहीं है ना अभी? और मियां बीवी अगर बन भी जाते ना तो मैं वशमा के लिए ऐसी बेहूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझा? अच्छा तो होता कौन है बीच में आने वाला? बचपन का दोस्त हूं इसका। बचपन खत्म, दोस्ती भी खत्म करो और निकल यहां से। जवान हो गई है वशमा अब, और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी जवानी इधर उधर बांटती फिरे। फारूक, जबान संभाल के वरना जबान खींच लूंगा, समझा? उदय नहीं बोलूंगा। वशमा हमारी होने वाली बीवी है। हम सर पर बिठाए या पांव की जूती बनाए, तुम्हें क्या? मैं इसका आशिक नहीं, समझा? रुको रणधीर, छोड़ो उसे। उदय, ओए रोक लो प्राजी, नहीं तो इकबाल भाई के होने वाले दामाद को ही मार ही डालना है रणधीर रायजादा ने। रणधीर छोड़ उसको। क्यों मार रहे थे इकबाल के दामाद को? अपराजी गरम खून है ना, गलती भी खुद की होगी, अब गुस्सा भी खुद ही कर रहा होगा। रणधीर क्यों हाथ उठाया तुमने फारूक पे? मैंने इस पे हाथ उठाया क्योंकि ये औरतों के खिलाफ बहुत घटिया बातें कर रहा था। और माफ कीजिएगा, अगर अगली बार इसने फिर ऐसी हरकत की ना तो फिर मेरा हाथ उठेगा, क्योंकि मैं किसी भी लड़की किसी भी औरत की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। रणधीर, ओ रब रब रब, बड़े छोटों का कोई लिहाज नहीं है, यही सीख कर आया विलायत से। राय जी ये झूठ बोल रहा है, बड़ी वाहियात बातें कर रहा था ये वशमा के बारे में। हाँ और इन... ए, वशमा तुम बीच में मत बोलो। अपनी सहेली को अंदर ले जाओ अमृत। चल वशमा। क्या हुआ फारूक, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। हम तो क्या ही बोले आप बड़े लोगों के सामने। शर्म आ रही है हमें लाला जी। जो बोल रहा है खुल के बोल पुत्र।
हम यहाँ वशमा को देखने के लिए आए थे। यहाँ आके हमने देखा कि रणधीर जी वशमा के साथ शेरो शायरी कर रहे थे और वशमा के बहुत करीब थे। हमें लगा कि कहीं वशमा को बरगला ना दे, इसलिए हम बीच में आए और उनको फारूक कि क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? लाला जी ये सरासर झूठ बोल रहे, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसे पूरी बात करने दो। हमने तो बस वही किया जो दुनिया का कोई भी शौहर करता। दुनिया का कोई भी शौहर ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी होने वाली बेगम के साथ कोई बदतमीजी करे? और हमने लाला जी कुछ गलत नहीं बोला था, हम बातचीत ही कर रहे थे, थोड़ी सी बहस हुई और ये लोग तुम्हारा मारी पर उतर आए। हम सिर्फ बात कर रहे थे और इन्होंने हमें यहाँ गिराकर पीटना शुरू कर दिया। सच कहें तो अगर आप लोग नहीं आए होते ना तो कल निकाह में हमारे हाथ पैरों पर पट्टियां पाते। दाई जी आप इसकी बातों का विश्वास ने? अबरार, तुम बताओ सच कौन बोल रहा है? अबाजन जाहिर है रणधीर और उदय झूठ बोल रहे हैं। अभी तुझे ये लगता है कि मुझे भागना नहीं चाहिए? देखा ना तूने कैसे अब्बू ने मुझे एक लफ्ज तक नहीं बोलने दिया। ये तो सिर्फ झलक थी उस पूरे नाटक की जो जिंदगी भर मेरे साथ होने वाली है। अमृत समझी, ये छोटा सा बैग मेरे जरूरत वाले कपड़ों का है, तू इसे अपने साथ ले जा। कल मेरे यहाँ सांचक की रस्म है, मैं तेरे घर पे तैयार होने आऊंगी और फिर वहीं से भाग जाऊंगी। काश तेनु अपने प्यार के वास्ते अपने ही घर वालों के साथ बगावत ना करनी पड़ती। काश सब कुछ तेरे अम्मी अब्बा की रजामंदी नाल हो जाता। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ध्यान से, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए सामान पे, समझी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.